के डेज होते हैं, जो शुरुआती के दिन होते हैं, तो मुझे उसमें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि ऐप के बारे में नहीं पता सचिन में हम सेकेंड हैंड गाड़ी ले या नया गाड़ी ले। तो गैस सेकेंड गाड़ी में 23 दिनों में। हे गाइज, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का गाइज फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आप लोगों के जो कमेंट्स थे काफी सारे, तो उसके ऊपर मैंने आज का ये वीडियो बनाया। काफी लोगों के गाइज कमेंट थे कि सचिन भाई आपका एक वीडियो बनाओ कि आप मंथली इनकम कितना करते हो, ठीक है। तो आज गाइज इसी टॉपिक पे और इसी के ऊपर आज का एक वीडियो बनने वाला, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और आपके लिए जो मेरे नए ओला उबर ड्राइवर उनके लिए काफी नॉलेजेबल है, ठीक है। तो गाइज वीडियो को एंड तक देखना और गाइज चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरीके से चैनल पर आपको गाइज आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। तो गाइज करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो गाइज आज से लगभग 1.5-2 साल पहले की बात है, मैंने ज्वाइन किया था उबेर में, तब से लेके आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आते कि सचिन में हम महीना कितना उबेर के अंदर कमा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियोज़ देखी होगी, क्योंकि जब भी मैं उबेर के अंदर ड्राइव करने लगा, क्योंकि जो मेरी खुद की कार है, तो मैं जैसे उबेर के अंदर ड्राइव करने लगा, तो जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं, जो शुरुआती के दिन होते हैं, तो मुझे उसमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि ऐप के बारे में नहीं पता चल रहा था। जो मुंबई के रास्ते में, मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो गाइज मुझे मुंबई के रास्ते नहीं पता चल रहे थे, ट्रैफिक जो एरिया, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतों का मुझे गाइज उस टाइम पर सामना करना पड़ता था। मतलब जहाँ पर एक ट्रिप को कम्प्लीट करने को लगभग जो टाइम होता था, उससे भी ज़्यादा टाइम मुझे उस ट्रिप को कम्प्लीट करने में लगता था। पता नहीं चलता था कि ट्रिप कौन सा है, कैश का ट्रिप है या ऑनलाइन ट्रिप है, वो नहीं पता चलता था। जो नए हमारे जो ड्राइवर है, जैसे मुझे भी काफ़ी दिक्कत होता था मैप के बारे में, जो हम सभी जो ओला उबेर जो नया उबेर स्टार्ट करते ओला उबेर, उनको भी नहीं पता चलता कि मैप किस तरीके से फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ा, काफ़ी सारी दिक्कत आई, ठीक है। काफ़ी पहले की वीडियोज़ में गाइस मैं बताता था कि ओला उबेर में अर्निंग है नहीं, क्योंकि मुझे खुद को एक एक ट्रिप करने को 2-2 घंटा लगता था। तो पूरे दिन भर में गए तो चार ट्रिप कंप्लीट होते थे, 4 या 5, तो लगभग उसके अंदर गए मेरा 1000 से 1200 रुपये का अर्निंग हो जाता था, और लगभग 300-400 का उस टाइम पे उस वक्त मेरा सीएनजी का चला जाता था। तो जैसे जैसे धीरे धीरे मैंने जब काम को सब चीज़ जानने की कोशिश की ऐप के बारे में, रास्ते के बारे में, तो अच्छा खासा मुझे नॉलेज होने लगा। तो कोई भी चीज़ को, कोई भी काम को करने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है, तो वो चीज़ भी मेरे साथ में हो गया। और उसके बाद मुझे पता चला कि उबेर में हमें किस तरीके से अर्निंग करना चाहिए, किस तरीके से हम ट्रिप को एक्सेप्ट, ट्रिप को ड्रॉप, हर चीज़ मैंने ऐप के बारे में हर चीज़ सीखना शुरू किया, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि हम उबेर में किस तरीके से अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से प्रमोशन ले सकते हैं, किस तरीके से ट्रिप कंप्लीट करने के बाद किस तरीके से हमें सेकेंड ट्रिप, हर चीज़ का गाइज मुझे नॉलेज होते गए। तो वही चीज़ें मैं गाइज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, और आप लोगों के मैं मेरे वीडियो में गाइज आप लोगों को बताता हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स की सबसे मैंने गाइज वीडियो बनाया, क्योंकि हर लोगों के दिल में, हर ड्राइवर के दिल में एक ही, मतलब जो नया उबेर ड्राइवर होता है उसके दिल में एक ही क्वेश्चन मार्क होता है कि एक उबेर ड्राइवर अगर हम लोगों ने गाड़ी लिया तो हम इस गाड़ी में कितना कमा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सचिन में हम सेकेंड हैंड गाड़ी ले या नया गाड़ी ले। तो गाइज सेकेंड गाड़ी में यही होता है कि जैसे मैंने बताया, मेरा भी गाड़ी को गाइज अभी 4 साल हो गया, तो गाइज जैसे जैसे गाड़ी जूनी हो जाती है तो गाड़ी में काम आना शुरू हो जाता है। मेरे से गलती हो गया था गाइज, जब मैंने जिस वक्त मैंने गाड़ी लिया था, तो उस वक्त लगभग 2 से 2.5 साल तो मैंने एक ड्राइवर की गाड़ी हैंड ओवर किया था, तो उसने गाड़ी यूज़ किया, तो लगभग 1.5-2 साल तो गाइज मुझे कुछ गाड़ी में काम नहीं है, जो नॉर्मली हमें जो सर्विसिंग करना पड़ता है वही चीज़ मैंने किया था। और उस वक्त मैंने ड्राइवर को दिया था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ लगभग 2018 की, तो मैंने जो ड्राइवर को अमाउंट देता, मतलब ये भी लोगों के क्वेश्चन में आता है कि हम सामने वाले ड्राइवर को कितना परसेंटेज या किस तरीके से दे, तो मैंने डायरेक्टली उनको मंथ वाइज दिया था, जो मुझे वो 20,000 रुपीज पे कर देते। तो उस वक्त मेरा गाड़ी का EMI था 10,000 रुपये, और जो मुझे उसके अंदर छूट जाता था 10,000 रुपये, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरा चल रहा था, तो जैसे जैसे गाड़ी के जूनी होती गई तो गाड़ी के अंदर काम होना शुरू हो गया, मतलब टायर बदली करो, फिर जो भी सर मेंटेनेंस थोड़ा बहुत जो भी है, हर साल गाड़ी के मेंटेनेंस हमारा चालू हो जाता है जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है। इसलिए मैं काफ़ी लोगों को बोलता है कि आप हो सके उतना नया गाड़ी प्रेफर करो, ताकि आप जितना कमाते हो उससे फिर आधे से ज़्यादा फिर खर्चा आपका सेकेंड हैंड गाड़ी में खर्चा डेली का होते जाएगा। नई गाड़ी में कैसे आप अगर मेहनत करके 2-3 साल में आप अपना गाड़ी का EMI कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, और गाड़ी का वैल्यूएशन भी कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप सेकेंड गाड़ी लेते हो तो उसका क्या वैल्यूएशन आपका निकलेगा। और उबेर के अंदर तो ऑलरेडी 5 साल के, मतलब 5 साल से जूनी गाड़ी आप उसके अंदर अटैच नहीं कर पाते, मतलब फिर 5 साल का भी अगर आप सेकेंड गाड़ी लेते हो तो आपको ऑन एवरेज गाड़ी उतने में गिरती है।
तो मेरा ये कहना है, वही मेरा जो एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ में गाइस शेयर करो, ठीक है। तो आते मेन मुद्दे पे कि गाइस हम महीने का हम अर्निंग कितना कर सकते हैं उबेर के अंदर। गाइस जब पुरानी बात है, लगभग आज से एक साल पहले, डेढ़ साल पहले, तो गाइस मैं रोज का कभी 1000 रुपया 1200 रुपया अर्न करता था। तो उसके अंदर अगर आप CNG निकालते तो मतलब रोज का मैं 700 600 700 रुपया निकालता था, क्योंकि मुझे उस वक्त इतना पता नहीं था कि हमें उबेर में किस तरीके से अर्निंग करना चाहिए। तो मैं आज आपको मैं लास्ट मंथ का मेरा उबेर जो मैंने 2021 में मैंने लास्ट मंथ नवंबर का में मेरा अर्निंग बताऊंगा आपको कि मैंने कितना महीने के अंदर, एक महीने के अंदर अर्न किया। जो एक मतलब सोचते हैं ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम जॉब करें या बिजनेस करें, तो बिजनेस और जॉब में क्या फ़र्क है आपको आज के गाइस वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मेरा स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यहाँ पे। तो नवंबर मंथ का मेरा अर्निंग है नवंबर 1 से लेकर नवंबर 8, क्योंकि आप जब भी उबेर के अंदर काम करते हो तो आपका 8 दिन के अंदर जो आईडी के अंदर आपका पेमेंट जमा हो जाता है, ठीक है। मतलब टोटल कितना जमा हो जाता है यहाँ पे आपको स्क्रीन में ऊपर दिखता होगा। मतलब एक नवंबर 1 से लेकर नवंबर 8 तक गाइस मैंने किया है 9749, ठीक है। मतलब 10,000 के लगभग मैंने पूरे हफ्ते भर में मैंने कमाई की। उसके अंदर गाइस मेरा एक दिन का छुट्टी, आप देख सकते हो, फ्राइडे को 5 तारीख को मैंने एक दिन का छुट्टी की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड जो आता है मेरा गाइज 8 नवंबर से लेकर 15 तारीख तक मैंने लगभग गाइज 7933 का अर्निंग किया। उसके अंदर गाइज मेरा उसके अंदर 2 छुट्टी है, 11 तारीख को और 12 तारीख को, ठीक है। थर्ड हम आते हैं गाइज मेरा आता है 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक गाइज मैंने अर्न किया है 7835, और वहाँ पे भी गाइज मेरा 2 छुट्टी है। मतलब 15 और 21 तारीख को मेरा 2 छुट्टी वहाँ पे आपको दिख जाएगा। मतलब हर वीकली मैंने 2 छुट्टी किया, मतलब पूरे हफ्ते में 5 दिन मैंने काम किया। उसके बाद में आते हैं गाइज 22 नवंबर से लेकर 29 तारीख तक मैंने किया है 10,954 रुपया। उसके अंदर भी गाइज मैंने 2 दिन छुट्टी किया 22 और 25, मतलब ये मेरा 5 दिन का अर्निंग है 10,954 रुपया। ये नवंबर 29 को मैंने किया है गाइज 1286, और उसके बाद में गाइज 30 को मैंने किया है 797, ठीक है। तो गाइज आप इसके अंदर देख सकते हो मेरी टोटल, मैंने पूरे मंथ के अंदर गाइज 7 छुट्टी की है, और मेरा टोटल गाइज अगर आप देख सकते हो 30 दिन के अंदर अगर मैं लगभग 7 दिन गाइज निकालू इसके अंदर, तो मैंने 23 दिन के अंदर गाइज 35,000 के लगभग गाइज मैंने अर्न किया है, ठीक है। मतलब 23 दिनों में गाइज मैंने लगभग 35,000 का अर्न किया है। और गाइज इसके अंदर जो मेरे पर्सनल ट्रिप थे लगभग गाइज मैंने, अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो मैंने स्क्रीनशॉट निकाले मेरे पिछले मंथ के जो मैंने वीडियोस निकाले, हर बार मेरा, क्योंकि हर बार जो मैंने राइड पे निकला तो मैंने वीडियो निकाला, वीडियो के हर वीडियो मेरा स्क्रीनशॉट है, अर्न किया जितना मैंने टोटल अर्न किया उसका वीडियो का स्क्रीनशॉट एंड में मैंने दिखाया। तो वो टोटल मेरा 35,000, और मैंने लगभग गाइस पर्सनल ट्रिप मैंने टोटल उस वक्त मैंने 11,000 का पर्सनल ट्रिप लिया था, टोटल 10,500 से लेकर 11,000 था। मतलब मैंने 45,000 गाइस मैंने 22-23 दिन में गाइस अर्न किया, 7 दिन मैंने छुट्टी करके। अगर लगभग गाइस 7 दिन के अंदर अगर मैं 4 दिन भी अगर काम करता उसके अंदर, लगभग गाइस मेरा 50,000 रुपीज़ पर मंथ में मेरे उबेर के अंदर से अर्न कर सकता था, ठीक है। मतलब मैंने जो पर्सनल ट्रिप था आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि मेरा एक दो मतलब 3-4 मेरे पर्सनल ट्रिप लिए थे, जैसे आप देख सकते हो मैं काफ़ी सारे पर्सनल ट्रिप भी लेता हूँ। तो मेरा उसके अंदर मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा टोटल 45,000 का मैंने अर्न किया 23 दिन के अंदर, और जो 7 दिन मैंने गाइज छुट्टी की। मतलब अगर हम कहीं पे जॉब भी करते हैं तो पूरे मंथ के अंदर गाइज हमें मिलता है सिर्फ 4 दिन की छुट्टी, बाकी का आपको 26 दिन आपको जॉब पे भरना पड़ता है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर 3 दिन में अगर गाइज उसके अंदर भरता तो मैं इजीली उसके अंदर 5,000 रुपीज़ और ज़्यादा अर्न कर सकता था। मतलब एक उबेर महीने का 50,000 रुपीज़ आराम से इसके अंदर निकाल सकते हैं, जैसे मैंने मेरे काम में मैंने दिखाया, मैंने करके दिखाया, ठीक है। कभी आप देखो कि मैंने कभी 6 घंटा गाड़ी चलाया, कभी 8 घंटा चलाया, कभी 10 घंटा चलाया, कभी 2 ट्रिप करके मैं घर पे आया। मतलब मेरे को पैसे कोई प्रेशर ना था कि आज मुझे काम करना है, ठीक है। जब मुझे लगा, मुझे दिल किया मुझे करना है काम, तो मैंने गाइस 5 दिन के अंदर भी 11,000 रुपये इसके अंदर निकाले, जो मैंने लाइव प्रूफ के साथ में आप लोगों को शेयर किया, ठीक है। तो गाइस ये मेरे को सिर्फ गाइज आप लोगों को मोटिव करने के लिए गाइज ये मैंने वीडियो बनाया। मुझे किसी ऐप के बारे में या किसी कंपनी के बारे में किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स है कि आप सचिन भाई ओला उबेर को प्रमोट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिस कंपनी से, जिस काम से मैंने जो पैसा कमाया वही आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया, वही आप लोगों के साथ मैंने लाइव प्रूफ दिखा, ठीक है। मतलब कई लोगों के दिल में ये होता है कि बस ओला उबेर वाले बोलते हैं कि आप इतना कमाते हो, आप इतना कमाते हो, आप बताते क्यों नहीं। मेरे हर वीडियोस में गाइस मैं पूरे लाइव प्रूफ के साथ में दिखाता हूँ कि मैं कितना कमा सकता हूँ। मैंने हर वीडियो में एक ही कहा कि आपकी मेहनत आपके ऊपर है कि आपकी मेहनत आप कितना कर सकते हो, और आप उसके अंदर मैंने डायरेक्टली आपको सिंपल कैलकुलेट दिखाया गाइस। मतलब मैंने 23 दिन के अंदर, मतलब पूरे महीने भर के अंदर 7 दिन छुट्टी करके
23 दिन काम करके मैंने इतना पैसा कमाया, मतलब जो आपके दिमाग में डाउट होता है कि हम महीना कितना कमा सकते, अगर आप डेली का 1500 रुपये, मतलब जिस तरीके से मैं काम करता हूँ आप उसी तरीके से काम करेंगे, मतलब मैंने तो कहा इसके अंदर 7 दिन छुट्टी, महीने भर के अंदर 7 दिन छुट्टी करके इतना अर्न किया। यही मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद था। काफ़ी लोगों के कमेंट थे, सचिन भाई आपका बताओ मंथली कितना कमाते हो, कहीं जिसके अंदर तुम्हें कभी कभी ज़्यादा भी कमा लेते हो, क्योंकि मेरे आप लोगों ने देखा होगा मेरे पर्सनल ट्रिप भी बहुत आते हैं, मतलब कहीं पे जाना हो तो मैं लमसम चार्ज करता हूँ, ठीक है, जो प्रूफ है मुझे वही दिखाना होता है, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे मेरे इस उबेर की वजह से मेरे अच्छे खासे कॉन्टैक्ट बन गए आज, कि काफ़ी सारे मुझे कॉल्स आते हैं पर्सनल का, मतलब कहीं अगर बॉम्बे में घूमना है तो 2 से 2500 मुझे गए मिल जाते हैं, मतलब एक ही टाइम CNG में मेरा आराम से गैस 1800 से 2000 रुपये गैस मेरा निकल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के जो मन में डाउट था, आई होप मेरे इस वीडियो से आप लोगों के डाउट मन के क्लियर होंगे, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग क्वेश्चन में यही बार बार सवाल आते हैं हम महीना हम कितना कमा सकते। तो बस गाइज, तो गाइज बताना वीडियो के कमेंट में आप लोगों को ये वीडियो मेरा कैसा लगा, मैंने आपको प्रूफ के साथ में दिखाया, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे भी ऐसे आपको इंटरेस्टिंग गाइज मेरे वीडियो आपको इस चैनल पे गाइज देखने मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद जय भारत।